हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू थ्री सिक्सटी गैन दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं कि आप अपने बारहवीं क्लास के बाकी के बचे हुए पेपर के एडमिट कार्ड दोस्तों किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों एडमिट कार्ड उन्हीं स्टूडेंट के लिए जारी किए गए हैं जिन्होंने दोस्तों अपना डिस्ट्रिक्ट यानी एग्जाम सेंटर को चेंज कर लिया था तो उनके लिए दोस्तों फाइनली एडमिट कार्ड आ गए हैं आपको एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करना है सारी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में दे दूंगा तो वीडियो को अंत तक देखें आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल थ्री सिक्सटी पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब सब्सक्राइब जो कर दीजिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें जिससे आपको मेरे ले लेटेस्ट ले 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 नोटिफिकेशन मिल सके तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको कुछ नहीं करना है अपने मोबाइल ब्राउजर में दोस्तों कोई सा भी ब्राउजर यूज करते हो आप चाहे ओपेरा क्रोम कोई सा भी ब्राउजर आप यूज करते हो दोस्तों आपको अपने गूगल में आपको सर्च करना है एम पी बी एस सी डॉट एम पी ऑनलाइन डॉट गवर्नमेंट डॉट इनकी दोस्तों ऑफिशियली वेबसाइट को ओपन कर लेना है उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली नीचे आना है यहाँ पर आप जैसे ही नीचे आएंगे आपको यहाँ पर दोस्तों तीन ऑप्शन दिख रहे हैं एग्जामिनेशन इन्वॉलम फॉर्म काउंटर बेस्ड फॉर्म डी एल एड फॉर्म्स तो दोस्तों आपको एग्जामिनेशन एनरोलमेंट फॉर्म पर क्लिक कर देना है जैसे ही यहाँ पर आप दोस्तों क्लिक करेंगे थोड़ा सा समय लग सकता है यहाँ पर होने में तो दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली ओपन हो चुका है आपको सबसे पहला ही ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा मैन एग्जाम एडमिट कार्ड 2019-2020 दोस्तों आप देख सकते हैं प्रिंट मैन एग्जाम एडमिट कार्ड 2019-2020 आपके यहाँ पर दोस्तों स्टार्ट इस डेट इसमें बताई गई है पाँच फरवरी दो और जो लास्ट डेट है आपके दोस्तों यहाँ पर सोलह जून दो मतलब आपके देखिए जो मार्च में पेपर हो रही थी दोस्तों उसके लिए एडमिट कार्ड भी आपके पाँच फरवरी को यहाँ पर जारी किए गए थे इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर अब दोस्तों कोरोना वायरस के चलते आपके बाकी के एग्जाम नहीं हो पाए थे आपके बाकी के एग्जाम नौ जून से लेकर सोलह जून कंडक्ट होना है तो इसमें दोस्तों आप देखिए अभी तक अपना एडमिट कार्ड आप सोलह जून तक यहां पर लास्ट आपका जो एग्जाम है उस तारीख तक आप अपना एडमिट कार्ड क्लास के के बाकी बच्चों का पेपर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों देखिए उन स्टूडेंट के लिए भी है जारी किया गया है जिनके एडमिट कार्ड खो गए हैं या कुछ मिस हो गए हैं तो वह भी स्टूडेंट अपना यहां पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों के लिए तो इसको ओपन किया गया है जिन्होंने अपना डिस्ट्रिक्ट चेंज कर लिया है वह यहां से अपना एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे यहां पर आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप दोस्तों तो इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा समय लग सकता है उसके बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना आपको अपना एप्लीकेशन यानी आवेदन क्रमांक को डाल देना है उसके बाद एक कैप्चा को सॉल्व करना है उसके बाद आपको फाइनली इसको सबमिट कर देना है जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका फाइनली बारहवीं क्लास का एडमिट कार्ड यहां पर जारी हो जाएगा दोस्तों मैंने आपको समझा दिया अब आप आपको एक एडवाइस दे देता हूँ दोस्तों अगर आप बिना एग्जाम में बिना एडमिट कार्ड के जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं तो इसलिए आप अभी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए अगर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट यानी एग्जाम सेंटर को चेंज करा है तो दोस्तों आप इस तरीके से भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं एम ऑनलाइन .mp की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों आपका जो एम बोर्ड का ऑफिशियली एप्लीकेशन होता है एम करके दोस्तों एक एप्लीकेशन है वहाँ से भी आप अपना एडमिट कार्ड बारहवीं क्लास के बाकी के बच्चे हुए पेपर का कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो में आपको सारी कुछ जानकारी दे दी कि आप अपना एडमिट कार्ड किस तरीके से डाउनलोड करेंगे तो दोस्तों आप इस तरीके से आसानी से अपना एडमिट कार्ड बारहवीं क्लास का कर पाएंगे तो आई होप दोस्तों आपको मेरी आज की जानकारी पसंद आई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जय हिंद जय जे भारत